हेलो क्रिकेट के दीवानों, तो कैसे हैं आप लोग। तो एक और नए क्रिकेट करियर मोड के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, चल रहा है आईपीएल और पिछला मैच जो गुजरात के सामने था वो हम हार चुके थे अपना पहला ही मैच। तो आज के मैच में हमें कमबैक करना है और इस मैच को जीतना पड़ेगा, क्योंकि लगातार दो या तीन मैच हार जाने से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हो जाती है टूर्नामेंट में। तो उससे पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, लाइक का एम 50 लाइक कर सकते हैं। चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करना, बहुत सारे लोग आके वीडियोस देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं आईपीएल का दूसरा मैच, हमारी टीम है मुंबई इंडियंस और सामने होने वाली है सनराइज़र्स हैदराबाद। तो टीम हमने लगभग सेम टीम के साथ ही जाएंगे हम लोग। तो चलते हैं दोस्तों मैच में आगे, अब होने वाला है टॉस टाइम। तो हैदराबाद के कप्तान है पैट कमिंस और मुंबई इंडियंस का कप्तान है तुम्हारा भाई सुजीत। तो चलो बढ़ते हैं यहाँ पे स्टेडियम में और यहाँ पे देख सकते हो भाई वानखेड़े में होने वाला है मैच और मुंबई में ही आके हम हार नहीं सकते। ये हमारा होम ग्राउंड का मैच है तो यहाँ हमें जीतना पड़ेगा किसी भी हालत में, क्योंकि पिछला मैच हम हार गए थे भाई, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं हुई थी हमारे लिए, जो कि भाई होम के बाहर वाला मैच था जो हम हार चुके हैं। तो आज हमारे होम ग्राउंड में मैच है तो आज हमें जीतना है। टॉस टाइम यहाँ पर सनराइज़र्स हैदराबाद, पैट कमिंस ने हेड्स बोला था और यहाँ पे उन्होंने टॉस जीत लिया है। तो देखते हैं उनका क्या निर्णय होने वाला है। तो भाई उन्होंने बोला है कि वो बल्लेबाजी करेंगे, सही है भाई, यहाँ पे थोड़ा ड्यू आता है, हम बाद में आराम से अपना चेज कर लेंगे। तो मैच लगभग स्टार्ट हो गया है, मुंबई के सारे फील्डर्स आ चुके हैं और हैदराबाद के दोनों ओपनर भी आ गए हैं यहाँ पे, टर्विस हेड और शहबाज अहमद, ठीक है, क्योंकि अभिषेक शर्मा हमारी टीम में है मुंबई में। तो यहाँ पे पहला ओवर हम मार्को जेंसन से करवाते हैं, उसके बाद हम लोग भी बॉलिंग करेंगे, देखते हैं हमें बॉलिंग कब मिलती है। पिछले मैच में तो लास्ट ओवर में दी थी एआई ने, जबकि कैप्टन हमें। और यहाँ पे भी भाई 18वें ओवर में बॉलिंग मिली है, 17वें ओवर कंप्लीट हो चुका है, 17 ओवर के बाद 116 पे 4 है हैदराबाद, ज़्यादा रन वो बना नहीं पाए हैं। तो भाई 18वें ओवर की पहली बॉल हम डालने वाले हैं यहाँ पे, सेकेंड मैच के पहला ओवर। तो चलो स्टार्ट करते हैं, सामने है भाई कोई नया बैट्समैन है, तो पहली बॉल डालते हैं, बाहर की तरफ डाली हमने, उसने निकल के मारा, हो भाई एज लगा बट फर्स्ट स्लिप नहीं लगाई थी हमने, सेकंड स्लिप लगाई थी और 4 रन इजीली मिल जाएंगे भाई। अच्छा स्टार्ट उनका भाई, चौका मिल गया पहली बॉल पे। अगली बॉल डालते हैं यहाँ पे, निकल के मारा है भाई, पीछे फील्डर है, एक ही रन मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। जी हाँ, एक ही रन मिलेगा भाई, डेथ ओवर में बॉलिंग कर रहे हैं तो अटैक हो गई, वो भी पहला ओवर, तो कहीं ना कहीं अटैक तो वो भी करेंगे, कोई नहीं। अगली बॉल डालते हैं यहाँ पे, शिवम दुबे हैं स्ट्राइक पे भाई और सेट हैं, 41 पे खेल रहे हैं। अगली बॉल डालते हैं, उन्होंने भी भाई घसीट के मारा है, गैप में बॉल गई है, क्या एक रन मिलेगा या चौका मिलेगा। अरे यार 4 रन मिल गया, काफ़ी बड़ा गैप था वहाँ पे, 3 बॉलों में 9 रन बटोर चुका है हैदराबाद मेरे ओवर से। अगली बॉल यहाँ पर डालते हैं, निकल के मारा भाई, गेंद दबा में, कहीं कैच के लिए जाएगा, जी नहीं, 6 रन मिलेंगे शिवम दुबे को इसी के साथ। नहीं भाई ये 6 रन नहीं था, अच्छी फील्डिंग, एक ही रन मिलेगा भाई, माफ़ करना, बहुत बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे, बट 10 रन 4 बॉलों में दे दिया हमने अगली बॉल। और भाई आउट अपील करी हमने बट ये मुझे हिसाब से बाहर रहेगा, तो नॉट आउट ही है, ये रिव्यू लेने का फ़ायदा नहीं है। पिछली 2 बॉल अच्छे डाली हमने, 2 चौके खाने के बाद, लास्ट बॉल रिवर्स स्वीप किया है, गैप मैच 4 रन, तो भाई 14 रन दे दिए हमने अपने पहले ओवर में। और मुझे लग भी नहीं रहा कि इसके बाद ओवर मिलेगा, क्योंकि 2 मेन बॉलों के ओवर बचे हैं, तो उसी से मैं करवाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, अब बैटिंग की बारी, 58-2 है यहाँ पे मुंबई इंडियंस, तो उसके बाद तुम्हारा भाई आया 4th नंबर पर बल्लेबाजी करने, तो टारगेट ज़्यादा बड़ा है नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है देख लेते हैं। बट पहली बॉल यहाँ पर खेलने वाले हम लोग, और यहाँ पे भाई काफ़ी बड़ा बाउंसर, वो भी वाइड बॉल मिल जाएगा, तो 59-2 है स्कोर। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार स्कोर कार्ड, तो टारगेट है 152 रनों का मुंबई ग्राउंड पे, जो कि आराम से चेज हो सकता है, बट यहाँ पे हमें खेलना पड़ेगा क्योंकि पिछला मैच भी हम हार के आए हैं, तो यहाँ पे हमें मैच को ख़त्म करना पड़ेगा और मैं कैप्टन हूँ तो मेरे को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आखिरी बॉल इस ओवर की, 59-2 है स्कोर, एस मिडिल्टन को नई बॉलर है, बेहतरीन बॉल, ये भी बाहर डाली उन्होंने, मैंने कट करने का कोशिश किया बट काफ़ी बाहर थी, तो ये भी वाइड है, एक रन और जुड़ जाएगा हमारे खाते में। तो अगली बॉल यहाँ पे इनकी ओवर की आखिरी बॉल है, बट 2 वाइड डाल चुके हैं, लास्ट बॉल और लेट कट किया हमने, 4 रन मिल जाएंगे भाई, कोई फील्डर नहीं वहाँ पे, अच्छा ख़त्म किया ओवर को। 9 ओवर के बाद 64-2 मुंबई इंडियंस, मयंक मरकंडे लेके आए अपना ओवर,
आगे डाली है बॉल को, हमने उठा दिया, गेंद हवा में पीछे फील्डर, बट 6 रनों के लिए भाई अच्छी टाइमिंग हुई थी। और पहला छक्का इस मैच का हमारा, और मयंक मरकंडे पे प्रेशर बनाता हुआ तुम्हारा भाई खूबसूरत शॉट 6 रनों के लिए भाई। ओवर ख़त्म हो चुका है, एस मिडलटन आए अपना अगला स्पेल लेके, पहली बॉल उनकी और बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव, पीछे फील्डर है, क्या वो बॉल को रोक पाएगा? जी हाँ रोक पाएगा, 2 रन आराम से मिल जाएंगे यहाँ पे। शॉट अच्छा था बट गैप में नहीं था, 2 ही रन मिलेगा। मयंक मरकंडे अपना अगला ओवर लेके आए हैं भाई, सूर्य कुमार यादव ने पिछले सारे ओवर खेल लिए थे, और पहली बॉल फिर से उठाया हमने भाई सामने की तरफ, एक और छक्का मयंक मरकंडे को, दूसरा छक्का भाई, एक पिछले ओवर में मारा था, एक इसी ओवर में आते ही पहली बॉल पे हमने मार दिया है, पूरी तरीके से प्रेशर उन पर बना रहे हैं हम लोग। अगली बॉल यहाँ पे मयंक मरकंडे की, कहीं ना कहीं वो भी सोच रहे होंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे अगली बॉल, और यहाँ पे बढ़िया डिफेंस किया है हमने भाई आराम से, क्योंकि यहाँ पे एक पार्टनरशिप के साथ हमें मैच को आगे बढ़ाना है। तो 2 बॉलों पे 6 रन आए मयंक मरकंडे की, अगली बॉल फिर से आगे डाला तुम्हारा भाई, रुक नहीं पाया, मैंने फिर से उठा दिया है सामने तब, एक और छक्का, इस ओवर का दूसरा छक्का भाई, 12 रन 3 बॉलों पे। मयंक मरकंडे को सोच में डाल दिया हमने कहीं ना कहीं कि वो कहाँ बॉल फेंकी हमें, क्योंकि आगे फेंकेंगे तो मैं फिर से मारूंगा। अगली बॉल यहाँ पे मयंक मरकंडे की, थोड़ी सी खींची हुई लेंथ, तो हमने आराम से डिफेंस किया है भाई, क्योंकि 2 छक्के ऑलरेडी इस ओवर में आ चुके हैं, तो हड़बड़ाहट में हमें विकेट नहीं देना है। 4 बॉलों पर 12 रन ऑलरेडी हमने बना दिया है। अगली बॉल यहाँ पे मयंक मरकंडे की, देखते हैं वो कैसी डालेंगे, काफ़ी आगे तुम्हारे भाई ने फिर से उठाया लेकिन लेग साइड में इस बार, और 6 रनों के लिए खूबसूरत शॉट, 3रा छक्का इस ओवर का, 18 रन मयंक मरकंडे के ओवर से, काफ़ी बढ़िया ओवर यहाँ पे हमने निकाला भाई, 18 रन बटोर लिया उनके ओवर से। आखिरी बॉल मयंक मरकंडे की है, फिर से उठाया है भाई, गेंद हवा में आखिरी बॉल पे एक और छक्का, 4 छक्के इस ओवर से, 100 रन पूरे 12 ओवर में, 24 रन बटोरे हैं हमने भाई, जिसमें 4 छक्के थे, कमाल का बड़ा ओवर, प्रेशर में पैट कमिंस भी लग रहे हैं और हैदराबाद भी। शहबाज अहमद आए अपना अगला ओवर लेके भाई, यहाँ से ज़्यादा रन चाहिए नहीं हमें, रन और बॉल चाहिए। पहली बॉल शॉट डाली थी, कट कर दिया, 4 रन इजीली मिल जाएंगे, 113 हो गया स्कोर 3 विकेट मुंबई इंडियंस का। अब चाहिए भाई 40 बॉल पे 43 रन चाहिए जीतने के लिए भाई यहाँ से। अगली बॉल शहबाज अहमद की, आराम से खेला है, 1 रन मिल जाएंगे भाई, टाइम हुआ नहीं, मैं इसको भी बड़ा शॉट मारना चाह रहा था बट 1 ही रन मिलेगा, तो 110 पे 3 है स्कोर, और हम पहुंच चुके हैं 43 रनों पे, अपने 50 के काफ़ी क्लोज। यहाँ पे पैट कमिंस अपना ओवर लेके आए हैं, तो आराम से खेलेंगे, पिछले ओवर में उन्होंने बस 2 रन दिए थे भाई। पहली बॉल पैट कमिंस की, शॉर्ट पिच बॉल, अरे भाई काफ़ी बढ़िया शॉर्ट पिच बॉल बाहर की तरफ ऑफ स्टंप में, तो फर्स्ट बाउंड दे दिया अंपायर ने। अगली बॉल यहाँ पर डालेंगे पैट कमिंस, आराम से खेलना है, 7 रन होते हैं बैक टू बैक 50 के लिए हमें, पिछले मैच में 50 मारा था। अगली बॉल, अरे भाई कट खेलना चाह रहे थे बट कैच लगा और सीधा कीपर के हाथ में, अरे यार 50 से 7 रन चुके हैं हम, बट यहाँ सब ये लोग मैच ना हरवा दें यार, मैं चाहता था ख़त्म करना, कट करना चाह रहा था बट बल्ला घूम गया मेरे हिसाब से हाथ में, कोई नहीं हमने अपना काम कर दिया यहाँ पे, 43 रन बनाए, तो अगले बैट्समैन को भेज देते हैं हम लोग, ठीक है देखते हैं ये मैच। जी हाँ दोस्तों विकेट्स तो गिरे बट ये मैच हमने जीत लिया है 2 विकेटों से, काफ़ी बड़ी जीत, फाइनली एक जीत की ट्रैक पे हम वापस आ चुके हैं। पिछला मैच हार गए थे गुजरात के सामने, और यहाँ पे हैदराबाद को घर पे हमने हरा के ये मैच जीत लिया है। तो आप लोगों का जो भी फेवरेट मोमेंट है इस मैच का कमेंट करना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना, चैनल पे ना सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत, बाय बाय गाइस, टेक केयर, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहना, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।